जय श्री राम दोस्तों, प्रश्न ये नहीं उठता कि हम इन्हें भोजन क्यों करवा रहे हैं, प्रश्न ये उठता है कि भोजन कराने की इच्छा कहाँ से प्रकट हुई। क्या ये इच्छा आंतरिक है या फिर बाहरी संसार से देखे हुए दृश्यों से उत्पन्न हुई है। जब आप इच्छा के अंदर उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इच्छा कहाँ से आई है। एक अज्ञात शक्ति जिसे हम अपना गुरु मानते हैं, वो आपके दृश्यों को निर्धारित कर रहे हैं। बहुत आनंद मिलता है इनके साथ बैठने में, तो आप सब लोग अपनी इच्छाओं को देखना शुरू कीजिए, तब आपको पता चलेगा। जय श्री राम दोस्तों। जब सेतु का निर्माण हो रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी वहीं थे और चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के आदेश से और उनकी अगुवाई में हम इसी स्वरूप में विराजमान थे। जितनी पुण्य आत्माएँ हैं जो जागृत हो रही हैं, वो उस समय इसी रूप में थी। इसलिए दोस्तों, हम सब आत्माओं ने मिलकर सेतु का निर्माण किया था, परंतु उन आत्माओं को उस समय मोक्ष नहीं मिला था। इसलिए अब उन आत्माओं ने भगवान कल्कि की सेना में शामिल होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने आप को चुना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, धीरे धीरे रहस्य खोलेंगे, तब तक आप इन दृश्यों का आनंद लीजिए। जय श्री राम। ले 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 ले। दोस्तों, कली हनुमानी में प्रस्तावना में एक पंक्ति आती है, जब श्री हनुमान जी कहते हैं कि चित्त कितना मनोहर बालक है, उसे क्या समस्या हो सकती है। आज आप स्वयं देख सकते हैं कि हम कितने आनंद में हैं। आप समझ लीजिए कि ये चित ही है जो हमारे साथ बैठा हुआ है। ये श्री हनुमान जी का आशीर्वाद है कि उन्हीं के आशीर्वाद से अर्पण हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो आप आनंद लीजिए इन दृश्यों का। दोस्तों, सच कहें, बहुत आनंद मिलता है, इस चीज को बता नहीं सकते। केवल एक जागृत मन के तौर पर और आत्मा के स्तर पर इसे महसूस किया जा सकता है कि कितना आनंद मिलता है इनके बीच बैठने में। ऐसा लगता है कि जैसे अपनों के बीच बैठे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ देखते रहिए कि कितने प्यार पूर्वक ये खा रहे हैं और किस आदेश से खा रहे हैं, इन्हें कौन आदेश दे रहा है खाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुरु का आदेश हुआ है तभी तो खा रहे हैं। इसलिए आनंद लीजिए इन दृश्यों का। खाओ खाओ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कितने प्रेम पूर्वक ये खा रहे हैं। एक तरीके से ये अर्पण ही है, श्री हनुमान जी की आज्ञा से ही पूरा हो रहा है। आप आनंद लेते रहिए इन दृश्यों का।